हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो रेसिपी बना रहे हूँ बिहार में बहुत ही फेमस है और इसे जितिया के पारण के दिन सभी के घरों में बनता है। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये है मटर, जो देहात में ही सिर्फ मिलता है और बिहार में तो बहुत ही फेमस है। ये दो प्याज है, पोई का पत्ता है, जिसमें हम एक ही प्याज इसमें ऐड करेंगे, एक रहने देंगे। तो यहाँ पे हम कुकर में 2.5 चम्मच तेल ऐड किए हैं, इसमें 2 तेज पत्ता ऐड कर रहे हैं और 2 सूखी मिर्च हम ऐड किए हैं, 1 कटा हुआ प्याज हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको हम 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये गरम मसाले हैं जिसको हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च के साथ एक पेस्ट बनाएंगे। अब हम उसे ऐड कर रहे हैं और फिर इसे भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। अब ये लगभग फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पोई का पत्ता ऐड कर रहे हैं। ये बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले हम नहीं डाल रहे हैं। अब हम इसमें 2 बॉईल किया हुआ आलू मैश करके डालेंगे। ज़्यादा मैश इसको नहीं करना है, बस हल्का सा क्रश करना है इसको। फिर हम इसे 3 से 5 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें हरा मटर भी ऐड कर देते हैं साथ में फ्राई होने के लिए। और इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। अगर चिपक रहा हो तो यहाँ पे फ्लेम को स्लो भी कर सकते हैं। अब हम इसमें हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर रहे हैं और इसे भी साथ में हम मिला देते हैं, फ्राई करते हैं। यहाँ पे फ्लेम को हम स्लो कर रहे हैं। ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 लीटर के करीब पानी ऐड कर रहे हैं। ग्रेवी आप अपने अनुसार रखेंगे तो आपको अपने अनुसार ही पानी ऐड करना है। और इसको हम बंद कर देते हैं और प्रेशर आने तक हम फुल फ्लेम पे रखेंगे। फिर हम इसका फ्लेम को मीडियम करके 5 से 6 सीटी लगाएंगे और ये तैयार है हमारा मटर की ग्रेवी।